आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है धीरज। मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से साहब श्री के वाणी से नई शिव चर्चाएं लाया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपके पास जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं आपसे दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूं उसमें आप लोगों की भी साझेदारी हो। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। भाई विजय सिंह है, दिल्ली महिपालपुर। महादेव से दर्शन कैसे होगा, मेरा मन में शंका हो रहा है। ठीक है भाई, हम तो गोली गोली बोलते हैं, आप ही जवाब दे दीजिए। अपनी आंखों से आप अपना कार्ड देख लीजिए, उसके बाद यहाँ किसी सहारा के अगला के वैसे उत्तर मंडल जी ने महादेव का दर्शन करना है तो पहले विश्व रूप से जुड़े। अरे कैसे दर्शन कर दीजिएगा, उसको मन की आंखों से देखा जाता है। हमारे दर्शन कर दीजिएगा कि रिजल्ट देखिएगा तो पता ही रहा। जब वो स्वरूप लेगा तब आप देख सकते हैं आंखों से। आप फिर क्या स्वरूप लेगा, कौन कभी लेगा? शिव को मन की आंखों से देखा जाता है, प्यार मन की आंखों से देखा जाता है, ईर्ष्या जलन दुश्मनी सब मन की आंखों से पकड़ी जाती है। मन मन पकड़ता है, शिव को मन की आंखें ही देखेंगी, ये आंखें नहीं देख सकती। हाँ वो आप कुत्ता बन के आ जाए, आदमी बन के आ जाए, भगवान बन के आ जाए, शरीर धर ले तब तो कोई देख मधुबनी से है भाई राम जीवन जी। चर्चा करने पर पुराने गुरु भाई बहन का हाँ, शरीर में आवेंगे तो महादेव नहीं रहेंगे, यह जान लीजिए। आपकी आंखों के रेंज में, आपकी आंखों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तरंगे हैं देखने की, उस रेंज में कोई आएगा तब देखिएगा। यानी उस शिव को आप ही के जैसा बनना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नहीं गए। शिव शिव नहीं रहेगा जब स्वरूप में आएगा, जब स्वरूप से बाहर निकलेगा ईश्वरी। वहां के लिए तो कहा बड़े हैं महान है। अरे मन से पकड़ने की कोशिश करो, इन आंखों से देखने की कोशिश मत करो, इन आंखों से बहुत चीजें नहीं दिखती। ऐसे तुम हाथ करते हो, विज्ञान कहता है करीब करीब 10,000 चीजें मत करो, देखते हो दही पूरा पूरा पिल्लुओं का समूह है, देखते हो क्या प्रेम से उसाता का आदमी तो और चाव से खाता केवल पिल्लू बैक्टेरिया माइक्रोस्कोप ले लो, साइड पर दही डाल लो, जब हुआ कि जैसे से हर जुगल को मेरे जन्मदिन का आयोजन किया जाए तो मैंने मनाही की थी कि ऐसा मत करिए, लेकिन मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है ये, इसीलिए मैंने इस पर बल नहीं दिया। वैसे मैंने मना किया था कि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बहाने चाहिए, जिन बहानों के माध्यम से अपने गुरु से की कुछ बात हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, लोगों के दिलों में शिव गुरु प्रति स्थापित हो जाए। ये सब बहाने, किसी का जन्मदिन, किसी की पुण्यतिथि, और सुंदर बहाने हैं कि इन्हीं बहानों के चलते, इन्हीं माध्यमों के चलते शिव गुरु की बात हो जाती है, थोड़ी शिव चर्चा हो जाती है। आपको शायद पता नहीं हो, पता तो मुझको भी नहीं है, लेकिन मुझको बताया गया है। जब मैं पैदा हुआ था और बहुत छोटा था तो गांव में था, उस समय मेरे पिता नौकरी में नहीं थे, उसके 2-3 साल बाद आए, तो मेरी दादी आंगन में खाट पर मुझको
खुला के अपनी भी सोई हुई थी, बाहर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। उस समय चोरी वगैरह की घटनाएं बहुत कम होती थी और हम लोगों के घर में कोई चुराएगा क्या, है सारा क्या जो ले जाए, तो चोर को नहीं आया, एक हुरार आया। हुरार पूछते हैं ना मेरे लिए, बोलते हैं लकड़बग था। एक लकड़बग आया, उसके मुंह में कोई मांस का लोथड़ा था। उसने किया क्या कि मांस के लोथड़े को मेरे खाट के नीचे छोड़ दिया और मुझको उठा लिया। थोड़ी देर के बाद मांस का लोथड़ा जब महका तो मेरी दादी मेज खुले की क्या दुर्गंध है, तो देखती है कि बउआ तो हल्ले नहीं है। हल्ला करते दौड़ी, गांव के लोग भी अगल बगल के लोग भी हल्ला किए, सुनार मुझको खेत में छोड़ के चला गया, मैं जिंदा बच गया। मैं सोचता हूँ कि आखिर वो मुझको खा क्यों नहीं गया, कुछ तो जिंदगी की सार्थकता होती है, जानवर खा जाता। और बेटी बात बताऊं, मुझको पैदा होने की कोई खुशी नहीं, विद्यार्थी बनाने की कोई खुशी नहीं, मन की बात मेरी यही है। क्या 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 हम लोगों ने किया क्या है, ये जो शुरू गुरु की बात है या शुरू शिष्यों के होने की बात है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं है, कर रहा है महादेव। उसने माध्यम क्यों लिया है तो हम लोग दिख रहे हैं, कर रहा है महादेव। हमारी आगे कोई उपयोगिता हमको नहीं नजर आती, हम शुरू को कितनी आती होगी लेकिन मुझको नहीं पता। कल मौसम खराब हुआ, अखबार में था कि आज भी खराब रहेगा, कल का मौसम बहुत खराब रहा, ठंड बहुत थी, बारिश थी। हम लोगों ने सोचा कि साहब 31 का प्रोग्राम तो भंडोल हो गया, इतनी बारिश इतनी ठंड इतने लोग कहां बैठे। तो हम लोगों ने मंडल जी को कहा कि भैया आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से धूप उगाइए, आपके जो अध्यक्ष हैं शेष परिवार के, थोड़ा चढ़ाया ओढ़ाया इनको कि आपको बाकी खा लो भाई। लेकिन सारा वो बात तो है नहीं है कि यार क्या दौड़े, लेकिन मैंने महादेव को कहा कि आप तो मेरे, उनको कहा कि आप तो मेरे मन की बात जानते हो, मुझको पैदा होने की कोई खुशी नहीं, मेरे जन्मोत्सव की भी मुझको कोई खुशी नहीं, लेकिन शिव गुरु की बात मेरे माध्यम से शुरू तो हुई जो 7000 साल के इतिहास में नहीं दिखती है, नहीं मिलती। तो हो सकता है थोड़ा आप प्रसन्न होते हैं कि चलो कोई आदमी तो हमें जिन्हें बात बड़ी ईमानदारी से धरती को बोल रहा, धरती को बोल रहा।